मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। पैरों पर तिल की चर्चा होगी, गुप्तांगों पर तिल, ऐसे बॉडी पार्ट्स पर तिल जहां पर कभी कोई नहीं बताता, उन सब जगहों पर चर्चा करी। चेहरे पर तिल, शरीर पर बर्थ मार्क, लहसुन के निशान, इन सारे वीडियोस की अपार सफलता के बाद अब पैरों पर तिल, पैरों के तलवों पर तिल, उसके बारे डिटेल में बताएंगे। क्योंकि पैरों पर तिल मैं देख रहा हूं एक जनरल धारणा बन गई है कि यात्रा कराता है, विदेश यात्रा कराता है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होता है, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सीधे मुद्दे पर, समुद्र शास्त्र के अनुसार पैरों पर तिल यात्रा को तो दर्शाता है, विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, लेकिन उसके अलावा अति भाग्यशाली भी बनाता है, और खासतौर से महिलाओं के संदर्भ में तो बहुत खूबसूरत बातें लिखी गई हैं, उसको भी बताएंगे। सबसे पहले पुरुष को चर्चा करेंगे। तो पैरों के तलवे पर तिल सिर्फ हमेशा अच्छा नहीं होता है, अगर नीचे के साइड है एकदम तलवे पर जब आप पैर रखते हैं वो पूरा तिल माना जाता है। कहा जाता है ऐसे लोग जिंदगी भर भागम भाग संघर्ष में फंसे रहते हैं, बीमारियां होती हैं, उसी के साथ साथ खास तौर से ऐसे लोगों पर कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तलवे पर चक्र है, कुंडल है, या फिर अंकुश का निशान है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ऐसे निशान लेकिन विरले लोगों की ही पैरों पर पाए जाते हैं। अब डिटेल में चर्चा, लेकिन उसके पहले वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पुरुषों के तिल का क्या मतलब है? समुद्र शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति के दाएं तरफ तिल है बहुत सारी यात्राएं करता है, अपने बिजनेस में माहिर होता है, उसके सिलसिले में खूब बाहर जाता है और वहां पर खूब पैसा अर्जित करता है। अब यही पुरुषों के अगर बाएं तरफ तिल हो तो भी विदेश जाने के मौके मिलते हैं, लेकिन वहां बस नहीं पाता है, बहुत ज्यादा वहां जाके सफल नहीं हो पाता है, और उसी के साथ साथ पैसे कमाने में भी दिक्कतें होती हैं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए ये तिल अच्छा है। दाएं पैर की एड़ी पर तिल, तो खास तौर से वहां पर ऐसे लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं, तिल काफी शो होता है। ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका, वहां पर एमएनसीज में सेटल होने का मौका, और अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ एक अच्छी लग्जरी लाइफ ऐसे लोग भोगते हैं। अब जिन लोगों के पैर के अंगूठे में तिल है तो निश्चित तौर पर अपने काम के प्रति गंभीर होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, प्यार से मेलजोल से रहते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं ऐसे लोग। तर्जनी उंगली पर अगर तिल है पैरों की तो निश्चित तौर पर वह धार्मिक ज्ञानी होते हैं, ईगो भी थोड़ा होता है और अपने विरोधियों का खुद सामना करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं। दाएं पैर में कोई राज चिन्ह हो तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को किसी जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ता है, राज प्रतिष्ठित लोग, सत्ता सरकार से जुड़े लोग इन्हें परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजों के सामने के लिए खासतौर से कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। हालांकि तिल के आकार का बहुत महत्व होता है, किस आकार का तिल है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात स्त्रियों की, महिलाओं को घर की लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है, जिस घर में महिलाएं सुखी होती है कहते धन धान की कमी नहीं होती है, और रियली मानिए, यकीन मानिए, महिलाओं के पैरों का तिल बहुत कुछ कहता है। अलग अलग अर्थ होते हैं, कई जगह गलत जगह भी व्याख्या हुई है, उसे आज करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब महिलाओं की बात, महिलाओं की मध्य उंगली पर तिल, निश्चित तौर पर अनामिका उंगली के बगल वाली मध्यमा उंगली के बीच में तिल शनि की उंगली कहा गया है, शनि पर्वत कहा गया है, जिसे भाग्य का स्थान भी कहा गया, अगर वहां पर महिलाओं के पैरों पर तिल तो बहुत प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है, नाम शोहरत मिलती है, नौकरी में काफी तरक्की करती है, नेतृत्व क्षमता होती है, वर्किंग वुमेन होती हैं और अत्यधिक धन कमाती हैं, निश्चित तौर पर एक तरक्कीपूर्ण जीवन जीती हैं, हाउसवाइफ है तो उनमें धन को बचाकर रखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है ऐसी फैमिली में, ये महिलाएं पार निकालती हैं। अब बात करते हैं पैर के अंगूठे पर महिलाओं के तिल का मतलब। अंगूठा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, आकर्षक, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम, वैभव का कारक है, धनवान, निष्ठावान, प्रतिभावान होती हैं ऐसी महिलाएं, उसी के साथ साथ खास तौर से अपने पारिवारिक रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित होती हैं, पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है, अगर वर्किंग है तो निश्चित तौर पर उच्च पद प्राप्त होता है और अच्छी जगह सेटल, अच्छे उच्च पद पे, अच्छी सैलरी पे सेटल होती है। तलवे पर अगर महिलाओं के तिल है तो मैंने पुरुषों के लिए कहा था अच्छा नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए
भोग विलासता वैभवपूर्ण जीवन दिलाता है, धन वैभव की कमी नहीं रहती है, सफलता मिलती है। अब एड़ी में तिल का मतलब क्या है भाई? जिस महिला की एड़ी में तिल होता है बहुत संघर्ष झेलना होता है, बहुत कठिनाइयां झेलनी होती है, कर्म का फल आसानी से नहीं मिलता है, वैभव मिलता है लेकिन बुढ़ापे के दौरान 50 के बाद, और ऐसे महिलाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं तभी लाइफ में तरक्की करती हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के तिल पैरों पर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। आज आपने समझा जाना, अब शेयर करना ना भूलें अपने व्हाट्सएप चैनल से लेकर फेसबुक कर, फेसबुक की वॉल पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।